इस प्यार को क्या नाम दूं, ये वाला ड्रामा आप सब लोगों ने देख लिया है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उन सब लोगों ने ये ड्रामा देख लिया है, लेकिन जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा है वो जो छोटी सी वीडियो के अंदर है उसकी सारी स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। आज मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी स्टोरी आखिर कैसी थी जिसकी वजह से इसके 240 एपिसोड बन गए, इसके सीजन वन के 240 एपिसोड बन गए। और ये ड्रामा आज तक, आज इस ड्रामे को रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं, 13-14 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये ड्रामा उतना ही पॉपुलर है जितना पहले पॉपुलर था। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जिस ड्रामे के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो वो ड्रामा इतना ज़्यादा हिट नहीं हो सकता, वो वायरल नहीं हो सकता। इसीलिए इसके राइटर ने भी यही सोचा कि इसके स्टार्टिंग में हम लड़ाई झगड़ा डाल देते हैं, जबकि मेन जो करेक्टर था इसका अर्नव और खुशी, ये दोनों इस ड्रामे के लीड रोल थे और इन दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा लड़ाई करवा दी गई पहले ही एपिसोड के अंदर कि किसी को लगा ही नहीं कि ये आगे जाके इतनी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो जाएंगे कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे पहले एपिसोड के अंदर, और दोनों हर सीन में लड़ाई के बाद कहते थे कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में ज़रूर मिल जाते थे और ऐसी ऐसी जगहों पे मिलते थे कि यहाँ पे बंदा सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी लड़ाई का सीन, लड़ाई वाला सीन उन्होंने काफ़ी एपिसोड तक चलाते रहे। फिर जब अर्नब सिंह रायजादा के बहनोई को खुशी से मोहब्बत हुई तो वो भी, उसकी स्टोरी भी आगे चल पड़ी और बहुत ज़्यादा ड्रामा आगे तक गया। और उसके बाद अर्नब सिंह ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए, कि उसकी बहन का घर ना टूटे, उसकी उसका घर बचाने के लिए खुशी से शादी कर ली। और खुशी से शादी करने के बाद लड़ाई झगड़े के, मतलब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ ही नहीं, मतलब शादी के बाद भी इनका लड़ाई झगड़ा आपस में चलता रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन दोनों को आपस में इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी कि बस जहाँ पे रोमांस करना था वहाँ पे इन्होंने नहीं किया, बाकी इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी, पानी में इन्होंने रोमांस किया, जहाँ पे लाइटिंग लगाती है वहाँ पे इन्होंने रोमांस किया, किचन में रोमांस किया, ऑफिस में रोमांस किया, सड़क पे रोमांस किया, मैं आपको क्या क्या जगह बताऊँ जहाँ पे इन्होंने रोमांस ना किया हो। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रोमांस भी किया और बहुत ज़्यादा ड्रामा हिट हुआ इस स्टोरी को लेकर। आगे एपिसोड बनते गए और इसका क्रेज़ इतना बढ़ता गया लोगों के अंदर, फैंस के अंदर, कि ये ड्रामा एक साल बाद बंद हो गया। लेकिन इसके जो फैंस थे, इसके जो चाहने वाले थे, उन्होंने इस ड्रामा को फिर दोबारा से स्टार्ट करवाया और ये ड्रामा फिर दोबारा स्टार्ट हुआ और दोबारा से ये चला ड्रामा, इसके एपिसोड आगे चले और 1.5 साल तक इन्होंने इसी स्टोरी के ऊपर घुमाते रहे ऑडियंस को और ऑडियंस को इंटरटेनमेंट करते रहे। ये ड्रामा इस वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुआ था क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा था और खुशी जो थी उसको बहुत मासूम बनाया हुआ था इन्होंने, और अर्नब सिंह रायजादा को बहुत खड़ूस बनाया हुआ था। और इसके अलावा सिर्फ यही दो नहीं थे करेक्टर इस ड्रामा को हिट करने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर थे। अर्नब सिंह रायजादा की दादी थी जो हमेशा बकरी को लेकर बैठी जाती थी। इसके बाद हेलो हाय बाय बाय, जिसके ऊपर प्रोडक्शन का आधा इस खर्चा जो उसके ऊपर हो गया और जिसको इसका मेकअप करने में, इसको तैयार करने में प्रोडक्शन के आधे पैसे इसके ऊपर लग गए। तो इस तरीके से ये ड्रामा हिट हुआ और ये इसकी स्टोरी थी। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हो, पूरे एपिसोड इसके देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो देख लें इस प्यार को क्या नाम दूं के बारे में, तो आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे, आप इजीली उसको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।